शाकिर, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी। तमाम औरतों को मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे फख्र है कि मैं एक औरत हूँ और एक वाहिद मुस्लिम ख्वातीन हूँ जिसको कांग्रेस पार्टी ने ऑनर किया, मेरे वर्क को, मेरे डेडिकेशन को सम्मान दिया, मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया। इसका सारा क्रेडिट हमारी मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को और हमारे जो स्टेट के पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, टाइगर हैं स्टेट के, कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी जी को जाता है जिन्होंने मेरी काबिलियत को, मेरे हुनर को पहचाना और मेरे को स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करके बताती है। कांग्रेस पार्टी जो औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है, इंशाल्लाह हम जब 2019 में पावर में आएंगे हम ये भी पूरा करके बताएंगे। हमारी पार्टी में वुमेन पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन अफसोस ये है कि हमारे स्टेट के जो सीएम हैं केसीआर जी, उन्होंने 17 औरतों को सिलेक्ट किया सम्मान के लिए लेकिन इक्तदार के नशे में केसीआर जी को एक भी मुसलमान औरत दिखाई नहीं दी, जबकि खुद उन्होंने सानिया मिर्ज़ा जी को स्टेट का एम्बेसडर बनाया था। क्या वो सम्मान की हकदार नहीं थी? फातिमा जो तेलंगाना स्टेट से ही है, एक मुस्लिम पायलट है, क्या वो सम्मान की हकदार नहीं थी? और हमारे स्टेट की एक और लड़की है जिनका नाम सैदा फलक है, जो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर है, क्या वो सम्मान की हकदार नहीं है? ऐसी अन्य प्रोफेशनल्स में लेडीज हैं, आजकल तो औरतें कहाँ नहीं पहुँची चांद पे। डॉक्टर बुद्धा अरुणा रेड्डी जो हैं, जो जिमनास्टिक प्लेयर हैं नेशनल लेवल पे, क्या वो भी सम्मान की हकदार नहीं थी? केसीआर जी जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी की चाल चल रहे हैं, जैसे बीजेपी और आरएसएस वाले जो हैं मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, केसीआर जी भी वही करे क्योंकि उन्हीं में से एक है, इसलिए मुसलमान दिखे नहीं। मुसलमानों को 12% का लॉलीपॉप हाथ में देके उनको बेवकूफ़ बनाया गया उनके वोट हासिल करने के लिए, पावर में आने के लिए, क्योंकि हमारे जो केसीआर जी हैं मुंगेरी लाल हैं, उनका नाम हमने मुंगेरी लाल रखा हुआ है क्योंकि वो लोगों को हसीन सपने बताते हैं, दिखाते हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटी बिजनेस लोन जो है 80% सब्सिडी पे था, वो अभी तक 2 साल से पेंडिंग है, 2 साल से ऑनलाइन नहीं आया। वो अभी ऑनलाइन आया नहीं उसके ऊपर मुंगेरी लाल जी एक और हसीन सपना बताए लोगों को, माइनॉरिटी बिजनेस लोन वालों को, कि 100% सब्सिडी पे आपको लोन मिलेगा। अभी आप 80% वाला पूरा नहीं करें तो 100 वाला पूरा कैसे करते? 2 साल से ऑनलाइन नहीं है, आखिर कब वो ऑनलाइन आता? मैं भी पूछ रही हूँ, अवाम भी पूछ रही है। फिर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोले थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। आपकी खुद की पार्टी में वुमेन पावर नहीं है, आपकी बेटी जो है वन लेडी शो है, उन्हों बदकम्मा भी उन्हों खेलते, दुर्गा पूजा भी उन्हों करते, सब चीज़ें उन्हों ही करते, एक ही औरत है पूरी पार्टी में। कोई आपकी पार्टी में मुस्लिम स्ट्रेंथ नहीं है, मुस्लिम सीन स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है लेडी, आप बताइए। इससे क्या पता चलता है कि मुसलमानों की क्या अहमियत है केसीआर जी की नज़र में, कि एक भी औरत उनको नहीं दिखी। आखिर में फिर मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दुनिया की औरतों के लिए हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू।